सो अभी जो करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 एक वेरी स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। तो जनरली ये एक ऐसा टाइप का प्रॉब्लम है कि इसके टाइप जैसा बहुत सारा क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। तो यहाँ पर से बेसिक समझ में आएगा कि एक्चुअली इस टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो वो हिंट मत देखो, वो हिंट नहीं करना है। तो बेसिकली करना क्या है कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में दिखे तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, वहाँ से वो कॉमन ले लेंगे बाहर। तो हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स टू द एन दिख रहा है और बाहर में ऑलरेडी एक एक्स है, तो वो हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन हो जाएगा। तो अगर कॉमन लिया एक्स टू द पावर एन, तो एक्स टू द पावर एन से एक्स टू द पावर एन कॉमन लिया तो वन बचेगा, और वन से अगर एक्स टू द पावर एन कॉमन लिया, सिंस वहाँ पर एक्स टू द पावर एन एन है ही नहीं, तो वो हो जाएगा वन डिवाइड बाई एक्स टू द पावर एन, ऐसा कुछ दिखेगा डी एक्स। अब जैसे ही मैंने ये किया तो मुझे एक चीज़ ध्यान वी कैन सी केयरफुली कि वन प्लस वन बाई एक्स टू द पावर एन, अगर मैं इसको टी समझता हूँ, बट इसको ऐसे करके डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये लगभग कुछ ऐसा आएगा। तो वन का तो ज़ीरो हो गया, अब एक्स टू द पावर माइनस एन का क्या होगा, माइनस एन, एक्स टू द पावर माइनस एन माइनस वन, डिफ्रेंशिएशन में पावर घटता है, तो माइनस एन डिवाइड बाई एक्स टू द पावर एन प्लस वन, तो वन बाई एक्स टू द पावर एन प्लस वन आ रहा है। तो वही है मुझे दिख रहा है यहाँ पर, वन बाई एक्स टू द पावर एन प्लस वन है। तो माइनस एन के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन क्वेश्चन में दिख रहा है और एक्स वन बाई एक्स टू द पावर एन भी दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि लेट वन प्लस वन बाई एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू टी। इसको मैंने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो टी सब्स्टिट्यूट करने पर के बाद हम लोग क्या करके डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो वन का ज़ीरो हो गया और वन बाई एक्स द्वार एन का अभी मैंने देखा है वो होता है माइनस एन एक्स द्वार एन प्लस वन इजिकल टू डी टी डी एक्स। तो डी एक्स को मैं इधर लाना चाहूँगा और माइनस एन को उधर भेज दूँगा। तो एक्स द्वार एन प्लस वन इजिकल टू डी टी डिवाइड बाई माइनस एन, तो ऐसे लिख दिया। तो अब सब्स्टिट्यूशंस यूज़ करने से मेरा जो प्रॉब्लम है वो बन जाएगा आई इज इक्वल टू, तो डी एक्स बाई एक्स टू द पावर एन, तो डी एक्स बाई एक्स टू द पावर एन इसके जगह पे लिख दूंगा डी टी डिवाइड बाई माइनस एन, और वो जो वन प्लस वन बाई एक्स टू द पावर एन है उसकी जगह पे लिख दूंगा टी। तो माइनस वन बाई एन ये कॉन्स्टेंट और वन बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी, और टी के जगह पे मैं लिख दूंगा माइनस वन बाई एन लॉग वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर एन प्लस सी। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 17 में देख लो, वहाँ पर वन माइनस साइन एक्स, टू माइनस साइन एक्स नीचे दिया हुआ है, तो साइन एक्स को टी पकड़ लेने से ही वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो वन बाई फिर वैसा ही दिखेगा, वन बाई वन माइनस टी इंटू टू माइनस टी, तो फिर ए बाई वन माइनस टी प्लस बी बाई वन टू माइनस टी, ऐसे करके उसको सॉल्व कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 18, अब इसको कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, द प्रॉब्लम इज गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसको थोड़ा सा हम लोग को सोचना पड़ेगा कि द क्वेश्चन इज डिफरेंट इन हियर। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम को सिंपली समझने के लिए, यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो सिंपली इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये एक्स स्क्वायर को वाई ले लेंगे। इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ इसलिए डिफरेंशिएशन करने का ज़रूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर को अगर वाई लिया तो ये बन जाएगा वाई प्लस वन वाई प्लस टू डिवाइड बाई, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, ऊपर में बनेगा वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू, और नीचे बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस ट्वेल्व, तो ऐसा कुछ आया। तो अगर मैं देखता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो इसको मुझे प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो प्रॉपर में करने के लिए जो डिनोमेटर में है वही चीज़ मुझे न्यूमेटर में चाहिए, तो मैं डायरेक्ट जो डिनोमेटर का है उसको मैं लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया।
अब ये लिखने के बाद मैं देख रहा हूँ एक्चुअल में मेरा न्यूमरेटर में क्या है, मेरा 3y है, लेकिन यहाँ पर मैंने ले लिया 7y, तो मुझे करना है -4y, -4y रिजेक्ट करना है। फिर क्वेश्चन में देख रहा हूँ देयर इज +2 इन देयर, बट मेरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर +12 है, तो बेसिकली मुझे करना पड़ेगा -10। तो ऐसे करके हम लोगों ने एक मैनिपुलेशन किया कि न्यूमरेटर से डिनोमेटर को एक्सप्रेस किया। एंड अब अगर सेपरेट करेंगे 3 एट अ टाइम, तो इसके साथ ये, तो वो बन जाएगा 1 -4y +10, माइनस कॉमन ले रहे इसलिए प्लस हो गया, y² + 7y + 12। अब ये जो y² + 7y + 12 आया है हमारे पास, इसको अभी इसी फॉर्म में लिखेंगे y+3/y+4, बिकॉज मुझे पार्शियल फ्रैक्शन जैसा करना है। तो ये बन जाएगा 1 -4y+10/y+3/y+4, तो ये हो गया। तो अब जो मेरा i, जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है, अच्छा ये इंटीग्रेशन का थोड़ा सा देर में करते हैं, एक चीज़ और, एक चीज़ करना पड़ेगा मुझे, तो वो है कि इसको एक्सप्रेस करते हैं y 4y+10, तो 4y+10/y+3/y+4। तो इसको लिखने के लिए फॉर द पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसको लिख लेने के लिए हम लोग अब लिखेंगे a/y+3/b/y+4। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये बन जाएगा 4y+10 = a/y+4 + b/y+3। तो नाउ अब एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे वाई पे, व्हेन y = -4 तो -16, तो ये -6 बन गया, 0, b हुआ -1, देयरफॉर b = 6। अब लिखेंगे व्हेन y = -3, जब वाई का वैल्यू -3 होगा तो वो हो जाएगा -2 = a, तो a का वैल्यू -2 हो चुका है और b का वैल्यू 6 हो चुका है। तो अब अगर मुझे इंटीग्रेट करना है, तो अब मैं एक्चुअल इंटीग्रेशन में आऊँगा, तो देयर फोर i = तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ ये वाला पोर्शन। अब y के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे वो देखना, तो 1 माइनस इन प्लेस ऑफ y जो पहले स्टार्टिंग में लिया था उसकी जगह पे हम लोग ले लेंगे x², तो लिखने का तरीका हो जाएगा, a के जगह पे मैं लिखूँगा -2/x² + 3, और b के जगह पे लिखूँगा +6/x² + 4 dx। तो ये बन जाएगा 1 का इंटीग्रेशन हो गया x-2, ये बन जाएगा into 1/√3 1/x² + a², मतलब टेन इनवर्स एक्स का है, टेन इनवर्स x/√3, ए का वैल्यू 1/√3 है, प्लस दूसरे केस में होगा 1/2 टेन इनवर्स x/2 + c। तो ये है तुम्हारा सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 16 जैसा ही है, तो वहाँ से भी तुमको कॉमन लेना है, तो x^4 कॉमन ले लेना, और x^4 कॉमन लेने से बाहर ऑलरेडी एक एक्स है, तो वो बन जाएगा x^5, तो फिर x^5 बनने से 1 - 1/x^4 को सब्स्टिट्यूट करने से वो आ जाएगा। तो 21 करते हैं, तो 21 में क्या है, ∫1/e^x - 1 dx। तो यहाँ पर हिंट दिया हुआ है कि e^x को t लेंगे, तो वही करते हैं, तो लेट e^x = t। अब जैसे इसको t लिया, तो डिफरेंशिएटिंग
सॉरी, जैसे इसको टी लिया तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये टू दी पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा। अब ई टू पावर एक्स तो दिख नहीं रहा है ऊपर, तो ई टू पावर एक्स को मैं ये दूसरे साइड लेके आऊँगा लेकिन उसको मैं बना दूंगा टी, बिकॉज ई टू पावर एक्स टी होता है। तो नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइड बाई टी और ये बन जाएगा टी माइनस वन। तो अब इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा एंड जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में करते हैं टी टी माइनस वन इज इक्वल टू ए बाई टी प्लस बी बाई टी माइनस वन। तो इसके बाद मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई टी टी माइनस वन, तो ये बन गया वन ए टी माइनस वन प्लस बी टी। अब यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करूँगा व्हेन टी इज इक्वल टू वन दूसरा व्हेन टी इज इक्वल टू थ्री तो ये बन जाएगा टी इज इक्वल टू जीरो व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो वन माइनस इक्वल टू ए और बी तो जीरो हो जाएगा। तो ए का वैल्यू भी वन है और बी का वैल्यू भी वन ही है। चलो ए का वैल्यू माइनस वन होगा देयरफॉर ए इज इक्वल टू माइनस वन। अब ये वैल्यूज अगर मैं पुट करूँगा एक्सप्रेशन में तो आई विल बी इक्वल टू आई बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए बाई टी मतलब माइनस वन बाई टी फिर आएगा प्लस बी के जगह पे वन बाई टी माइनस वन डी टी, तो माइनस लॉग टी प्लस लॉग टी माइनस वन। टी का वैल्यू है इट्स आवर एक्स सो दैट्स हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेना, ये एक्सरसाइज 7.5। सो दैट्स